महानगर मुरादाबाद और मुरादाबाद के आसपास के इलाकों में जश्न ईद मिलादुन नबी धूमधाम के साथ मनाया गया। मुरादाबाद के लाइन पार मियां कॉलोनी में भी ईद मिलादुन नबी का जुलूस पुरसकून माहौल में निकाला गया। बड़ी तादाद में गुलाम माने मुस्तफ़ा ने इस जुलूस में शिरकत करते हुए अपनी नबी की आमद पर खुशी जाहिर की। मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे बुलंद करते हुए इस जुलूस को आगे बढ़ाने का काम किया। जुलूस में छोटे और बड़े सभी लोग प्यारे आका पैगम्बर इस्लाम को याद कर रहे थे और उनकी शान में नारे भी बुलंद कर रहे थे। मियां कॉलोनी की मस्जिद से शुरू हुआ ये जुलूस आसपास के इलाकों से होता हुआ वापस अपने स्थान पर आकर संपन्न हुआ। इस जुलूस से मोहम्मदी का जगह जगह स्वागत हुआ तो वहीं छोटे छोटे बच्चों को तबर्रुक भी बांटा गया। जुलूस को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर खड़े दिखाई दिए और नबी की शान में नारे भी बुलंद किए। वहीं कांट रोड हरतला स्थित जामा मस्जिद से भी जुलूस से मोहम्मदी को निकाला गया। हरतला जामा मस्जिद से शुरू हुआ ये जुलूस मोहम्मदी मुख्य मार्ग से होता हुआ गवर्नमेंट कॉलेज पर जाकर संपन्न हुआ। हरतला से निकाले जाने वाले इस जुलूस से मोहम्मदी में मक्का और मदीना की आकृति भी आकर्षण का केंद्र रही। तो वहीं घोड़े पर बैठे मुस्लिम युवा अरबी पोशाक में इस्लाम की पहचान को बताने का काम कर रहे थे। सलातो सलाम के नजराने पढ़े रहे युवाओं ने अपने नबी की आमद को बेहतरीन अंदाज में मनाया। यही संदेश है कि हमारे प्यारे नबी ने हमें सच्चाई का रास्ता बताया है, इंसानियत का रास्ता बताया है। हम अब सच्चाई और इंसानियत के रास्ते पर चलने का अहद भी करते हैं। जुलूस मोहम्मदी को सुकून पूर्वक निकाला गया। वहीं पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने भी अपनी बेहतरीन भूमिका को अदा करते हुए जुलूस को संपन्न करने का काम किया। जुलूस संपन्न हो जाने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा भी राहत की सांस ली गई। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल था कि सुबह 8 बजे से नूरानी मस्जिद में जो मदरसा कायम है, मदरसा अहले सुन्नत गुलशन इस्लाम की जानिब से हर साल जुलूस निकाला जाता है। इस साल भी जुलूस निकाला गया माशाल्लाह, महल्ले के नौजवान और सबों ने हिस्सा लिया माशाल्लाह बढ़ चढ़ के। हमारा जुलूस बहुत अच्छा रहा। ये जुलूस मियाँ कॉलोनी से निकल करके हुसैनी मस्जिद के रास्ते जमाली मस्जिद से होते हुए इधर पीर के बाजार फाटक से पहले हमारा जुलूस फिर वापस की तरफ रवाना दवाना हो जाता है। फिर कोहिनूर की तरफ रवाना होकर के मोती मस्जिद के रास्ते अखबार फैक्ट्री से होकर मियां कॉलोनी में फिर हमारा जुलूस नूरानी मस्जिद मदरसा गुलशन इस्लाम में मुकम्मल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजर हासिल हो गया और अल्लाह का फजल है कि हम मदरसा गुलशन इस्लाम में हैं। और सबसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि कुल शरीफ का टाइम आ गया है, सभी हजरात तशरीफ लाएं।
क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मौके पर और प्रशासन की किस तरीके की व्यवस्थाएं थी? माशाल्लाह सबका अच्छा सहयोग रहा और सबका अच्छा साथ रहा। अब प्रशासन ने भी अच्छा अपना वादा निभाया और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सभी लोग मिलजुल कर रहे। हमारे आका जब तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया में अमन शांति का माहौल बना और हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि मैं आका की मिलाद में जो जुलूस निकलता है उसमें अमन शांति का पैगाम दिया जाता है। ये बताया जाता है कि आज के दिन हमारे आका तशरीफ लाए थे तो आपने गरीबों को भी आपने ख्याल रखा, आपने जानवरों का भी ख्याल रखा, हर एक को आपने बराबर बराबर का दर्जा दिया, आपने बड़े छोटे का इम्तियाज किए बगैर आपने सबको बराबर का दर्जा दिया, सबको बराबर का हक दिया। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आपस में सबको एक दूसरे को मुबारकबादी दें और आपस में शांतिपूर्वक बना रखें, एक दूसरे को अच्छा पैगाम दें।